दोस्तों एक और खतरनाक हड़े हटे यार यहाँ पे i7 में यार मिनी पीसी उठा के ले आए स्कल सेंस वालों का। और मजे की चीज इसको भाई रोबोट बनाने के लिए देख रहे हो ना इसमें यूज करा गया। तो अगेन जहां तक दिमाग जा रहा है वहां तक आप खैर खींच सकते हो। अब देखो इसके स्पेक्स बड़े तगड़े हैं और इसका प्राइस भी काफी कम है। अगर i7 13th जनरेशन बात करो, ये छोटे मोटे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये सारे काम आज गेम्स टेस्ट करेंगे, इसमें AAA टाइटल गेम चलाने वाले हैं और इवन आपके सारे बेसिक काम ये आराम से कर सकता है। तो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, डब्बे में क्या है, खरगोश तो नहीं, लेट्स गो। ठीक है दोस्तों धागा खोल देते हैं, मतलब यार पूरी अनबॉक्सिंग शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले स्कल सेंट्स का ऑलवेज बॉक्स वाला, इसको यार बुरी तरीके से फाड़ना हमें पसंद है। और ये मेरे यार अपना बॉक्स निकल के आ चुका है, ठीक ठाक खतरनाक पैकिंग मिल जाती है अपने को। और हियर यू कैन सी इसी के अंदर अपना मिनी पीसी है, ताबड़तोड़ i7 वाला। ये अपना मिनी पीसी आ जाइए भाई साहब, ये ओपन हो गया। अब ये सबसे पहले अपनी हल्की फुल्की पैकिंग और ये अपना मेन इंग्रेडिएंट आ जाता है, यहीं पे अपना मेजर औजार आ गया दोस्तों। ये सबसे पहले अगर मिनी पीसी की बात करें तो इसको निकालता हूँ, भारी तो है थोड़ा हल्का, क्योंकि अगेन यार इसमें प्रोसेसर ताबड़तोड़ लगा है। और ये देख सकते हो भाई स्कल सेंट्स की ब्रांडिंग और इधर सारे पोर्ट्स आ जाते हैं। सिल्वर कलर का ये प्लेटेड टाइप दे रखा है और भाई काफी चीजें हैं, देख रहे हो क्या ही तगड़ा माल चल रहा है भाई। फर्स्ट लुक के हिसाब से तो आपके सामने है यार नजर, ये अपना 2024 के हिसाब से आप बोल सकते हो लेटेस्ट मॉडल और सारी चीजें एकदम यार टैप टू टैप टॉप क्लास यहाँ पे मिल जाती है। पोर्ट्स की बात करूं यहाँ पे यार तीन आपको USB 3 0.0 वाले पोर्ट मिल जाते हैं, एक आपको टाइप सी केबल ये भी लगाने का ऑप्शन दिया गया। इससे होता क्या दोस्तों, टाइप सी लगाओ और डायरेक्टली आपके पास कन्वर्टर है, तो टाइप सी से आप बहुत सारे केबल ले सकते हो, लाइक लैन हो गया, इवन यूएसबी के डिफरेंट पोर्ट्स भी निकाल सकते हो, इवन काफी हद तक बड़े डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। ये कमाल होता है, मुझे काफी पसंद है। इसके अलावा इसमें आपको सेपरेट पोर्ट माइक और इसका भी मिल जाता है, ये चीज काफी बेस्ट हो जाती है। ये ऑन का बटन आ गया अपना और ये मेजर इधर का इंटीरियर देख सकते हो। और ये पूरा यार ऊपर नीचे से वेंट का भी कंप्लीट सिस्टम दे रखा है। और अगर इधर देखा जाए यहाँ पे आपको और मेजर पोर्ट्स दिख जाते हैं, दो अपने पास लैन के पोर्ट इंटरनेट बनाने के लिए यूज कर सकते हो और एक तो लैन अपने पास है। HDMI आउटपुट आ गया, डिस्प्ले पोर्ट वाला आउटपुट आ गया, ये दोनों भी भयंकर है। और यहाँ से आप पावर दे सकते हो, यहाँ पे अगेन USB के 2.0 वाले पोर्ट भी आपको मिल जाते हैं। ये कंप्लीटली ओवरव्यू था, मेरे हिसाब से मोस्टली सारी चीजें मिल जाते हैं। तीन डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो ट्रेडिंग के लिए, काफी मजेदार। बाकी गेम्स तो है यार खेलेंगे। बाकी इसके अलावा और बॉक्स में अगर आप देखो तो भाई इधर तो कुछ नहीं, यहाँ मेन अपने केबल वो आ गई, यहाँ से पावर मिलेगी इसको, ये वाली केबल आ गई, HDMI अपने को मिल जाती है और ये तो साथ में ही लगने वाला है पावर के लिए। यही कुछ दोस्तों अनबॉक्सिंग सीन था और ये अपना डिवाइस रेडी हो चुका। अगर फीचर्स की बात करूं दोस्तों, आप फीचर्स को यार लपेटते हैं, सारी चीजों पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले खतरनाक चीज यार वेनम के बारे में, इस मॉडल के बारे में अपना। अब इसरो को तो आप लोग जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने भाई ये इंडिया के अंदर इसी साल अपना एक रोबोटिक चैलेंज रखा था। और आप मानोगे नहीं, उसमें जो टॉप 10 टीम्स निकली ना, जो फाइनलिस्ट निकली, उनमें से एक ने इसको यूज करा था। लाइक यहाँ पे मैं आपको रोबोट दिखा रहा हूँ, ये रोवर इन लोगों ने बनाया था। और सोच सकते हो भाई इसरो क्या बात चल रही है यहाँ पे, किस लेवल की बात चल रही है। और यहाँ पे आप अगर जूम करके देखोगे तो आपको स्कल सेंट्स का दिख भी जाएगा जो इन्होंने यूज करा है। और यही सेम मॉडल मेरे पास राइट नाउ अवेलेबल है जो i7 के साथ आता है, तो सोच सकते हो कितना पावरफुल है, इसको यहां तक लेवल पे यूज करा जा सकता है। तो वही है भाई, जहां तक सोच जा रही है वहां तक आप यूज कर सकते हो डिवाइसेस को, यही तो दमखम होता है, मजा आ जाता है। बाकी अगर और स्पेक्स मेजर बताओ, सबसे पहले इसके अंदर आपको i7 1370p मिल जाता है 12 कोर 16 थ्रेड के साथ, अप टू भाई 5.2 GHz। सोच सकते हो क्या ही पावरफुल ये डिवाइस है, इसमें आपकी गेम्स छोड़ो भाई बेसिक से लेके एडवांस तक सारे काम हो जाएंगे, ट्राई करने वाले हैं बिल्कुल सर। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो आप वेबसाइट पे चले जाना, वेनम लिखोगे, वहां पे आपको मॉडल इनका मिल जाएगा। और i7 वाला है, हमने i5 पहले भी वीडियो बना रखी है i5 पे, वाई बटन पे आपको मिल जाएगी। बाकी मेरे पास जो राइट नो मॉडल है, इसमें भाई 16GB DDR5 वाली मेमोरी लगी है और वो भी 4800 MHz पे चल रही है। और उसके अलावा अगर स्टोरेज की बात करूं तो 500GB वाला मेरे पास मॉडल है। आज देखो वैसे आप ग्रेड के ऊपर आप देखोगे तो डिवाइस को पीछे से आपको सिंपल ओपन कर लेना, 4 स्क्रू मिलते हैं और बेसिकली ऊपर से ये पैम्पलेट टाइप का अपना हट जाता है। और इसमें अपग्रेड करना भी 2 सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे अपने को रैम के 2 स्लॉट मिल जाते हैं और ये टोटल बताऊं तो ये दोनों स्लॉट में आप 32 करके 64GB तक मैक्सिमम कर सकते हो। राइट नो मेरे पास 16 है, काम चल जाएगा। इसके अलावा स्टोरेज भी आप देखोगे तो जैसा मेरे पास तो 500GB वाली NVMe लगी हुई है, वरना आप चाहो तो यार 4TB तक सोच सकते हो, एक में 4TB, तो टोटल आप 8TB तक स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। और प्रोसेसर तो अपना i7 है ही, तो एकदम पागलपन मचा सकते हो टोटल देखा जाए तो। इसके अलावा वाईफाई आपको 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, सब कुछ लेटेस्ट चल रहा है भाई। इथरनेट के आपको डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स मिल जाते हैं, सारे आपको तामझाम पूरा टोटल मिल रहा है, यही सब के कारण भाई ये काफी पावरफुल बन जाता है। बाकी ये कुछ फीचर का सीन था, अब इसको चला के देखते हैं क्या कुछ चीजें कहां तक चल रही है, लेट्स गो। ठीक है दोस्तों यहां पे टेस्टिंग अब शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो इसके अंदर आपको विंडोज 11 मिलती है, पूरी एक्टिवेटेड ओरिजिनल वाला फील आ जाता है। साथ ही साथ अगर यहां पे देखो तो डार्क मोड हमने ऑन कर दिया है और सिस्टम क्लियर है यार, ज्यादा कुछ आपको प्रीबिल्टेड ऑप्टिमाइज्ड विंडोज पूरी तरीके से मिलती है। और 11 तो मिलेगी भाई, i7 प्रोसेसर है अगेन आपका यहां पे। और अगर मैं सबसे पहले अगर बेंचमार्क आपको दिखाऊं तो राइट नाउ आप ये CPU का एक टेस्ट देख सकते हो और ये स्कोर आपके सामने है, काफी काबिले तारीफ, ठीक ठाक चल रहा है। वैसे देखो दोस्तों ये प्रोसेसर है काफी कैपेबल है, नॉट जस्ट फॉर रनिंग यार बेसिक एप्लाई
लाइक आपके ये सब हो गया ना, ये देखो यहाँ पे जैसे अपना आ गया, ये सब हो गया, विंडोज एक्सपीरियंस हो गया, फाइल मैनेजर देख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी कितनी तेजी से ये ओपन हो रहे हैं, इससे ही आपको क्लियर कट हो रहा है यार। लाइक यहाँ पे स्टोर देख सकते हो, फ्लुएंट वर्किंग कर रहा है। इधर अपना यार आ गया ये एपिक गेम्स, ये भी बहुत तगड़ी तरीके से काम कर रहा है। अभी बाकी हम लोग गेम्स तो खेलने वाले हैं ट्रिपल ए लेवल की, सोच सकते हो। बाकी यहाँ पे और क्या अपने को मिलता है, ब्राउजर भी मिल जाता है, ब्राउजिंग आप कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है, अगर आप वेब सर्फिंग करना चाहते हो वर्डप्रेस, इन सब का काम है आपका, आराम से होगा। देख रहे हो ना, फ्लुएंट है यार, इन सब में कोई दिक्कत। इवन अगर वीडियोस की बात करें तो वो भी देख सकते हो आराम से, आप 4K लेवल तक की वीडियोस आराम से देख सकते हो विदाउट एनी सिंगल डाउट। मतलब है यार, इतना तो कैपेबिलिटीज है, पूरी तरीके से काम कर रहा है। बात करूं अगर फोटोशॉप प्रीमियर प्रो की, तो ये मैंने अपना हमारा रिसेंट का ही प्रोजेक्ट है फोटोशॉप का, और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लुएंट तरीके से वर्क करेगा दोस्तों। ये देखो क्या स्मूथनेस है, इसी से पता चलता है टेक्स्ट मूवमेंट से लेके ये कितना बढ़िया चल रहा है। फोटोशॉप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, फोटोशॉप तो वैसे भी इसके लिए बच्चों का खेल था सही बताऊं तो। ये तो अपना बहुत आराम से हमने i5 इन सब पे देखा है, तो ये तो तब भी i7 है। और आप फ्लुएंट देख सकते हो, कोई भी लैग नहीं है बिल्कुल भी, एकदम ओरिजिनल जैसा एडिटिंग पीसी वाला एहसास होता है ना, सेम मिलता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों एडिटिंग की, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। वैसे वंडरशेयर अच्छा रहेगा क्योंकि मिनी पीसी का जिस हिसाब का रहता है कूलिंग वूलिंग, मेरे हिसाब से वंडरशेयर ठीक रहेंगे। बाकी आप प्रीमियर प्रो भी चला सकते हो, राइट नो वही चला रखा है मैंने, और देख सकते हो प्रोजेक्ट काफी स्मूथनेस के साथ वर्क कर रहा है। ये देखो आगे अगर टाइमलाइन करता हूं तो यहाँ कोई लैग वैग खास दिखता नहीं है, बस वही है कि अगर आप इस पे ज्यादा इफेक्ट विफेक्ट लगाने जाओगे ना तब बैंड बच सकती है। तो हाँ, मिनिमल इफेक्ट के साथ आप आराम से एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सही है यार, अब इससे ज्यादा क्या, देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट है, मुझे तो काफी ठीक लग रहा है। तो ये कंप्लीटली इसका बेसिक ओवरव्यू था, और मेरे हिसाब से मैंने आपको मोस्टली सारी चीजें दिखा दी है। इसके अलावा टैली हो गया, ये सब चीजें आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पावरफुल है भाई। अब गेमिंग की बात करें, अब दोस्तों पहली गेम एज ऑलवेज हम लोग GTA 5 टेस्ट कर रहे हैं, और राइट नाउ सबसे पहले अगर मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊं क्योंकि वो मेजर चीज रहेगी, तो हियर यू कैन सी ग्राफिक्स में 1080p तो अपनी ये गेम चलने वाली है। बाकी और नीचे देखोगे तो वेरी हाई, हाई नॉर्मल, मतलब एक तरीके से आप मीडियम एंड सेटिंग समझ लो, और इस पे आप गेम्स क्या चल रही है अगेन मिनी पीसी दिमाग में रखना। ये देख रहे हो यहां चल रहा है, तो अब यहां पे अगर गेम चलाते हैं तो आराम से भाई अपने 50-55 के आसपास FPS आ रहे हैं। तो वही है, अगर आप चाहो तो 1080p लो सेटिंग में तो आराम से खेल सकते हो, और मीडियम पे भी 60 तक FPS पहुंच रहे हैं, कंप्लीट 60 तो नहीं बोलूंगा बट तब भी एवरेज के हिसाब से 50-55 ठीक चल रहा है। मिनी पीसी भी तो है, इतनी बेहतरीन कूलिंग दोगे, i7 के कारण भाई चीजें चेंज हो जाती है, और यहाँ आप देख ही रहे हो कंप्लीट सिनेरियो आपके सामने रिजल्ट है। और ये देख के तो यार मजा ही आ गया, मतलब क्या ही 55 के आसपास 60 भी कहीं कहीं पे पहुंच जाएंगे मुझे लगता है, और 60 FPS 1080p मीडियम एंड सेटिंग बोल सकते हो अच्छी खासी चीजें चल रही है। ये GTA का हाल था। आप साइबरपंक चलाएं, और दोस्तों साइबरपंक जिन भाइयों को नहीं पता ये AAA टाइटल गेम है, तो ऐसी गेम्स वैसे तो यार मॉडर्न पीसी में भी बैंड बजती है, मतलब बोल सकते हो ग्राफिक्स में RTX चाहिए कम से कम, बट यहाँ पे मिनी पीसी में अगर आप देखो तो राइट नाउ अगर सेटिंग्स की बात करोगे तो 1080p में अपनी गेमिंग मैंने चला दी है, और ग्राफिक्स तो अगेन यार लो ही पे खेलना पड़ेगा, मीडियम भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। गेम की बात करें, हियर यू कैन सी द रिजल्ट, 25 के आसपास 23 FPS आ रहे हैं, और काफी हद तक ऑब्वियस बात थी क्योंकि भाई अगेन AAA टाइटल गेम्स नाम चलता है इनका। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 20-23-24 FPS आ रहे हैं, और लो सेटिंग्स पे 1080p, तो ये तो बैंड बजती है यार कंप्लीटली, दिखती है नजर भी आ रही है, बट तब भी ये मिनी पीसी इतना कैपेबल है कि भाई चला पा रहा है, तो इससे पता चलता है दमखम तो है भाई, और रिजल्ट आपके सामने। यही कंप्लीटली दोस्तों गेमिंग का सीन था, वही हल्की वल्की गेम्स आप खेल सकते हो। AAA चलाओगे तो FPS कम आएंगे इवन ऑन लो सेटिंग, हाँ शायद आप 720 इन सब पे खेल सकते हो बट फिर ग्राफिक्स बहुत अजीब से हो जाते हैं। ये कंप्लीटली गेमिंग का सीन था, ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली ओवरऑल सीन था। अब देखो मिनी पीसी के हिसाब से तो काफी पावरफुल है i7, और ऑप्टिमाइज भी काफी सही है। अब देखो अगर आपको यार जिस हिसाब की परफॉर्मेंस चाहिए और कैरी करने में ये सब चीजें भी रहती है ना, तो ये इन फैक्टर के हिसाब से काफी कूल है आपके सामने। प्राइस भी मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिखाई दिया, तो ये कंप्लीटली ओवरऑल सीन था। होप सो आपको पीसी पसंद आया हो, i7 की बातचीत थी, बाकी पसंद है बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।